नमस्कार दोस्तों, पोमिनो टेलीएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑल न्यू होंडा एचआरवी आरएस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन मार्केट में एसयूवी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसी बीच न्यूज आ रहा है कि जापान की पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा अपनी एचआरवी की थर्ड जनरेशन मॉडल को जल्दी से इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस इंजन के साथ पेश की जाने वाली है। इस एसयूवी में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि यह इंजन सबसे पावरफुल है, जो 175 एचपी का पावर और 240 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन के साथ पावरफुल फीचर्स से लैस इस एसयूवी को जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। तो चले दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली होंडा एचआरवी आरएस की सारी रिवील हुई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं होंडा एचआरवी के एक्सटीरियर लुक और डिजाइन के बारे में। होंडा एचआरवी आरएस के पावर फेडरेशन पर मुहर लगाने के लिए इसके एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत ही स्पॉटी विजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भरपूर बॉडी फिट, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप, आउटलेट और आरएस बैचिंग दी गई है। इसके फ्रंट में आपको शानदार फ्रंट ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ एक नए लुक वाला फ्रंट बम्पर, साइड से आप इसको देखें तो 17 इंच के एलॉय व्हील्स, ऑटो एडजस्टेबल ORVMs, रियर में आपको एलईडी टेल लाइट जो कि एलईडी स्ट्रिप के साथ देखने को मिलेगी, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप, रीडिजाइन रियर बम्पर, ऊपर की ओर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें होंडा एचआरवी के डायमेंशन की, तो पिछले मॉडल के तुलना में 120 mm ज़्यादा लंबी, 10 mm ज़्यादा चौड़ी मिलेगी। इसी के साथ इसकी ऊंचाई 5 mm कम कर दी गई है, जबकि इसका व्हील बेस 20 mm तक ज़्यादा बढ़ाया गया है। ऑल ओवर डायमेंशन की बात करें तो लंबाई में आपको 4.45 मीटर, चौड़ाई में आपको 1.78 मीटर और ऊंचाई में आपको 1.60 मीटर मिल जाएगी, जबकि इसका व्हील बेस 2.63 मीटर का दिया गया है। तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी के इंटीरियर की। होंडा एचआरवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट डिस्प्ले, पेनारोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक एसी और 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लेस होगा। साथ ही फ्री पावर टेलगेट दिया जाएगा। इसके अलावा इस एसयूवी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे शानदार फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी में मिलने वाले इंजन की। होंडा एचआरवी हाइब्रिड में कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। यह इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर एक साथ 109 PS का पावर जनरेट करते हैं। यह इंटीग्रेटेड इंजन मल्टी मोड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस है। हाइब्रिड वर्जन के अलावा यह कार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 1.5 लीटर कैपेसिटी वाला नेचुरली इंजन दिया गया है, जो कि 121 BHP की पावर और 145 NM का टॉर्क जनरेट करके देता है। यह इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसी के साथ कंपनी क्लेम करती है कि होंडा एचआरवी में आपको 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों होंडा एचआरवी आरएस को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।